आपको बुकलेट का पेज नंबर 138 पे जाना पड़ेगा, जो हमने ईएमआई का टॉपिक एक पेज छोड़ दिया था, और इसको एक बार करते हैं। और प्लीज़ इसको फॉर एनसीईआरटी भी लिख लेना, मुझे मिस हो गया उस टाइम करवाते करवाते, जबकि मैंने देखा एक स्कूल के अंदर एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा स्कूल था, मुझे भूल गया मैं, कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव, तो इसको मार्क कर लेंगे। अगर करवा दिया होता उस टाइम तो एक नंबर तो पक्का हो ही जाता। चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा।
टॉपिक की बात कर रहा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ईएम वेव में एक टॉपिक किया था। क्या किया था कि अगर मैं कैपेसिटर की प्लेट्स में, मैक्सवेल ने कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दूं, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाता है। ये चैप्टर ये बोलता है कि अगर आप टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड लो, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाता है। उस अपने आप पैदा हुए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये टॉपिक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम अपना पुराना स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रूल्स इसके डिफरेंट है, उसके डिफरेंट है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करने के लिए आपको चार्जेस चाहिए, पॉजिटिव चार्ज प्लेट और नेगेटिव चार्ज प्लेट। इसको पैदा करने के लिए आपको चार्जेस नहीं चाहिए, आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक। तो ये रिंग है मेटल की, पड़ी हुई थी, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा हूं। मान लो जब भी इंक्रीज होगा तो रिंग नहीं चाहेगी, रिंग अपना भी ऐसे कर लेगी, करंट कैसा पैदा करेगी? एंटी क्लॉकवाइज। मजे की बात है, आप इमेजिन करो इसमें एक पाथ बना दो गोल, जो ये शो कर रहा है कि करंट जा रहा है, पाथ बन गया। उस पाथ पे एंटी क्लॉकवाइज टेंजेंट ड्रॉ करो जहां भी करना है। वो टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, वो डिसाइड आपका लेंज लॉ ही करेगा। अगर भी अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो थम बाहर, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप पाथ बना के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, तो जिस भी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो वहां पर डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो डायरेक्शन का रूल समझ में आ गया। तो इसके अंदर जो करंट होगा, और यहां कैपिटल ई का मतलब क्या है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो करंट होगा, यहां स्मॉल ई करना, स्मॉल ई, कैपिटल ई नहीं, स्मॉल ई, स्मॉल ई। तो करंट क्या होगा? स्मॉल ई बाय आर। स्मॉल ई का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट। वोल्ट को आर से डिवाइड करेंगे, ओम से, तो करंट आएगा। तो गलती से कैपिटल ई लिख दिया। इस असाइनमेंट में कैपिटल ई का मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन आया था जो आपके स्कूल में, देखो ये एनसीईआरटी में पूछा था कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव है, आप लोग कंजर्वेटिव करके आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन, ट्रू एंड फॉल्स था। अच्छा, तो इसलिए आप, गलती नहीं है, जिन्होंने सुना नहीं हुआ वो अपने पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आंसर देके आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंजर्वेटिव ही होता है, कि अगर हम कोई वर्क डन करेंगे अपने पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, ये पाथ पे डिपेंड करता है और इसको इनिशियल फाइनल से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? तो याद रखेंगे ये नॉन कंजर्वेटिव है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ई डॉट डी एल, याद करो माइनस ई डॉट डी एल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता था, इसे माइनस साइन नहीं लगता, सिर्फ ई डॉट डी एल। ई डॉट डी एल आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही देगा, पर इस चैप्टर में उस पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते, उसको इंड्यूस ई एम एफ बोलते हैं। तो इंड्यूस ई एम एफ का फॉर्मूला ये होगा, ई डॉट डी एल विल गिव इंड्यूस्ड ई एम एफ, याद रहेगा, वेयर कैपिटल ई, और ये क्लोज्ड पाथ में होगा। क्लोज्ड पाथ कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो डेफिनेशन याद रहेगी, हमने अपना ई एम आई का चैप्टर ऐसे चलाया है, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी फैराडेज लॉ से, लेकिन अब हम कैसे चलाएंगे? ऐसे चलाएंगे। ठीक है यहां तक? तो डेफिनेशन याद रखना, कैसे यूज करनी है अभी बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस चैप्टर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हैज सेम मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल, और टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, बता दिया मैंने। नेक्स्ट है बीइंग नॉन कंजर्वेटिव, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हैज नो मीनिंग। आप इस चैप्टर में ये नहीं पूछेंगे कि सर मुझे पोटेंशियल निकाल के दिखाओ इस चैप्टर में, इस पॉइंट पे क्या होगा, नहीं निकलेगा। पोटेंशियल चार्ज लगाता है और यहां पर चार्ज नहीं है। हाँ, आप मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलूंगा, मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इज ओके, पर पोटेंशियल नहीं निकलेगा इस चैप्टर में। नेक्स्ट है दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्जेस, मैंने बताया, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मैंने बता दिया। हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस किया, यूज कैसे करना है उसके ऊपर आते हैं। यूज करने के लिए
सबसे पहले आप चेक करो, यूज करने के लिए मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं। क्या प्रॉब्लम है कि मान लो आपके पास ये एक सिलेंड्रिकल वायर है या सिलेंड्रिकल पोर्शन है, आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रॉस है, बोर्ड के अंदर है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ एल्फा, ठीक, क्योंकि अगर बी कॉन्स्टेंट होता तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाती, जीरो। तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक, एल्फा रेट से, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और मान लो इस सिलेंड्रिकल रीजन का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल आर रीजन में है। मेरा क्वेश्चन है कि इसके एक्सिस से छोटे आर डिस्टेंस दूर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो कितना होगा, ठीक। तो रूल है, जहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है छोटे आर डिस्टेंस पे, ड्रॉ अ क्लोज्ड पाथ। बिल्कुल जैसे ऐसी फीलिंग आएगी जैसे एम्पियर सर्किट लॉ कर रहे हैं, एक वायर के अंदर बी निकालना है तो क्लोज्ड पाथ, वायर के अंदर ई निकालना है तो भी क्लोज्ड पाथ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ। अब क्यों क्लोज्ड पाथ, क्योंकि अगर इसमें क्रॉस बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये नहीं चाहेगा रीजन, तो ये क्या करेगा, यहां करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए नोट करो, टेंजेंट मैंने एंटी क्लॉकवाइज शो की है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज नहीं बनेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी ले लिया ई आई, तो क्लोज्ड पाथ का क्या लेंगे, ई डॉट डीएल। देखो कैसे, जो क्लोज्ड पाथ है, देखो जो क्लोज्ड पाथ है, ये मान लो क्लोज्ड पाथ है, E dot dl is equal to क्या, अभी हमने क्या डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड जो है EMF, इंड्यूस्ड EMF का मतलब dphi by dt, क्लोज्ड पाथ में इसका सर्कमफेरेंस कितना है, 2 पाई स्मॉल r, तो E into 2 पाई स्मॉल r d by dt of B into area, लिख लिया यहां पर। अब इसमें एरिया बाहर आ गया db by dt, db by dt आपको क्या गिवन है, अल्फा, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। एरिया क्या लेना है, इंपॉर्टेंट है, एरिया वो लेना है जो क्लोज पाथ के अंदर जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, क्लोज पाथ जैसे गॉस थ्योरम लेते थे, क्लोज पाथ के अंदर चार्ज लो, एम्पियर सर्किट लॉ लेते थे, क्लोज पाथ के अंदर करंट लो, इसमें एरिया क्या लेंगे, क्लोज पाथ के अंदर जहां बी चेंज हो रहा है, जो कि पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, ई की वैल्यू आ जाएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और नोट करो आर से आर कैंसिल, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, ठीक। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं कि मुझे सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन ये रहा, ये लो, इस क्वेश्चन में ये आपका जैसे मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रहा है, सेम क्वेश्चन है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, लेकिन मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना चाहता हूं, बाहर, ये रहा, ये निकालना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, ई इंटू टू पाई आर, जैसे B into 2 pi R, E into 2 pi R is area क्या लेंगे, magnetic field इसके अंदर सिर्फ pi capital R square area में है, into dB by dt, area important है, पहले closed path red color का ये है, तो area इसके अंदर लेना है, जहां field change हो रहा है, अब closed path ये है, तो इसके अंदर field कहां कहां change हो रहा है, pi into capital R square, into dB by dt, तो आपको question में given ही है, कितना, alpha, तो E is, ये सब constants है, E is inversely proportional to R, मैं लिख सकता हूं, ठीक। क्वेश्चन आएगा आपकी असाइनमेंट जो भी हम कर रहे थे, असाइनमेंट नंबर 58 का क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन है, इसमें यह पूछा गया कि सिलेंड्रिकल रीजन में B इंक्रीज हो रहा है, ग्राफ प्लॉट करो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ, तो जब हम इनसाइड हैं तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जब हम आउटसाइड हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्राफ मार्क करेंगे, बिल्कुल एम्पियर सर्किट लॉ बी का ग्राफ बनता है, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम ग्राफ है, जहां ये सॉल्यूशन है सिक्स सॉल्यूशन, उसके साथ नोट डाल के ये प्लीज दोनों केसेस नोट करो, कहीं भी नोट कर लो, इसे बुकलेट में कर ले, वही 68 पेज पे याद आ जाएगा, कहीं भी कर लो, बुकलेट में कर लो ताकि एग्जाम्पल याद हो जाए, कहीं भी कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो प्लीज। क्वेश्चन के नीचे कर लो, सॉल्यूशन लिख लो क्वेश्चन में, सिक्स में एक ही बात है,
ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार। एक रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है सिलेंड्रिकल रीजन में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करता है, पता लग रहा है, और माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो समझ में आता है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी चार्ज क्यू प्लेस्ड एट आर विच इज ग्रेटर देन ए इज व्हाट। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर बी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये अपने आसपास क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट करेगा तो इसका रेडियस अगर ए है, जहां पर फील्ड जनरेट हो रहा है या चेंज हो रहा है, हमने किसी चार्ज क्यू को आर डिस्टेंस पे रख दिया, फिर आर इज ग्रेटर देन ए रख दिया, तो ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्वेश्चन है। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देगी, और फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा चार्ज, और चार्ज मूव करेगा, तो हमें फोर्स निकालनी है। तो हमने चार्ज को यहां रखा, तो सबसे पहले इस डिस्टेंस पे क्या निकलेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रॉ अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ में ई इंटू टू पाई आर, एरिया क्या लेंगे, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, कितने एरिया में प्रेजेंट है, पाई ए स्क्वायर एरिया इंटू डीवी बाय डीटी, वही सेम चीज है, देखो एरिया इंटू क्या, डीवी बाय डीटी, सेम रूल क्लियर है यहां तक, इंड्यूस ईएमएफ इज बी इनटू एरिया, एक ही बात है, तो एरिया समझ में आ गया, पाई ए स्क्वायर, सॉल्व करो, यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बी का मतलब क्या आ गया, मैंने बी नॉट टी, बी नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, डीटी बाय डीटी 1, तो ई की वैल्यू आ गई, दिस इज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस जगह पर हमने क्या रखा, चार्ज, तो चार्ज फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू इंटू ई, आंसर फोर्स आ गया। मेथड समझ में आ रहा है, पहले फाइंड न्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्यू इन टू ई से फोर्स आएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो।
जतिन क्वेश्चन है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, अल्फा टी टाइम के साथ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ने पूछा, इस बार उसने क्या पूछ लिया, ईएमएफ बताओ, ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ पी और क्यू के बीच में क्या होगा। ठीक, एक काम करते हैं, इसकी लेंथ तो टू आर है, ये आर है, तो ये आर है, ये आर है, तो रूट टू आर है, तो ये पॉइंट इसके सेंटर से रूट टू आर है, ये पॉइंट भी रूट टू आर है। एक काम करते हैं, रूट टू आर डिस्टेंस पे इसको ज्वाइन करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, बना लो, कंप्लीट कर लो असाइनमेंट में, डॉट 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 पूरा सर्कल बना लो। यहां पर मैं क्या निकालूंगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। तो ड्रॉ कर लिया बड़ा सर्कल, तो इस सर्कल पे अच्छा ये बताओ, अब टेंजेंट इधर भी बन सकता था, टेंजेंट इधर भी बन सकता था, पर मैं कैसे डिसाइड करूंगा, बी यहां पर इंक्रीज हो रहा है बाहर की तरफ, ये रिंग नहीं चाहेगा या सिलेंडर नहीं चाहेगा तो अपना भी अंदर की तरफ, तो करंट कैसे पैदा करेगा, क्लॉकवाइज, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज, तो जब मैं पाथ ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूंगा, क्लॉकवाइज। ठीक, समझ में आ रहा है डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्यों बन रही है इसकी। ठीक, तो पहले मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, कैसे, ई इंटू ये डॉट 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 वाला सर्कल जो है वो कितने रेडियस का चल रहा है, रूट 2R का, चेक कर लो, तो ये क्या है, रूट 2R, तो E इंटू 2 पाई इंटू रूट 2R, सर्कमफ्रेंस क्या बना, 2 पाई इंटू रूट 2R, तो E इंटू 2 पाई इंटू रूट 2R इज एरिया, क्या लेंगे एरिया, सिर्फ इतने एरिया आपको जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कितना रेडियस है, कैपिटल R, तो स्टेप समझ में आ रहा है, तो एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इंटू dV बाई dt, तो एरिया का मेन चीज इसमें एरिया ही होता है और तो कुछ है नहीं। क्लियर है यहां तक, तो एरिया पुट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है, अल्फा टी, अल्फा बाहर आ गया, dt by dt 1, तो सॉल्व करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पर मेरे को तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कोई बात नहीं इसको छोड़ो, ये लगा, वैसे ये भी लगा सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड dv by dr का फॉर्मूला है, इसकी वजह सीधा लिखो ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अभी आज फॉर्मूला करवाया था वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई dl, यही फॉर्मूला था, तो इसमें ई की जगह पुट कर दें अल्फा आर बाय टू रूट टू ये रहा इनटू डीएल, तो ये क्या आ गया, डीवी की वैल्यू आ गई इसमें। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई इसमें, कोई डाउट इसमें। ठीक, तो इसमें कांस्टेंट्स को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल के सिर्फ डीएल बचेगा, अब क्योंकि ये फील्ड तो कंजर्वेटिव है ही नहीं, ये तो नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ पे डिपेंड करता है, तो डीएल की इंटीग्रेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, डिस्टेंस आएगा पूरे का पूरा, जिस रास्ते से आप आए हो, तो P से लेके Q किस रास्ते से आए हो, इस डॉट 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 से आए हो, तो लेंथ कितनी है, ये R कोएगा पूरा, कैसे, ये एक सेक्टर है 90 डिग्री का, सेक्टर का मतलब ये लेंथ क्या होगी, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस की 1/4, तो ये रेडियस कितना चल रहा है, रूट टू आर, तो पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई इंटू रूट टू आर का 1/4 हिस्सा, 1/4, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट बन रहा है, तो लेंथ लेनी है, डिस्प्लेसमेंट लेनी, कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक, तो यहां पर 1/4, तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, मेडिकल में आने का चांस कम है, कुछ छोटा क्वेश्चन आ जाए मैं कह नहीं सकता, मेडिकल में तो नहीं आता, नॉन मेडिकल में मुझे पता नहीं भाई, जो इसको तोड़ के देंगे तो देंगे, बट ये कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए।
क्लियर है, आने का चांस रेयर है कंपटीशन में, वैसे मैं आपको बता दूं, कई साल से, 3-4 साल से मेंस नीट में नहीं देखा, एडवांस का क्वेश्चन है ये, तो मैं बता दूं कब टूट के छोटा बन जाए मेरे को नहीं पता, आ जाए तो आ जाए, पता ही अब क्या करना है। ठीक, हम तो हर सिचुएशन को हैंडल करेंगे, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, भी आसान आ जाए हमारी किस्मत है, मुश्किल आ जाए तो फिर करना तो आना ही चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो नॉन मेडिकल वाले घर पे आराम से बैठ के करेंगे, सेम है, बस रेडियस चेंज किया है इसमें, कॉन्सेप्ट इसमें सेम ही है। ठीक, मेडिकल नॉट फॉर मेडिकल लिखें प्लीज, ये क्वेश्चन नॉट फॉर मेडिकल, ओनली नॉन मेडिकल वाले करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10, बोथ फॉर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों, 10th पढ़ें। शीट नॉर्मल से थोड़ी सी ट्रिकी है, ये दो शीट्स मुश्किल नहीं है माइक की, बट ये है कि जो मैंने आपको बाकी शीट्स दी हैं, इसके बाद आज मिला होगा आपको, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो अपने होमवर्क ले लें, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 61 से लेके ऑब्जेक्टिव शीट नंबर, पूरा ये सेट है 66 तक, 61 से 66 की अनसॉल्वड है। मैं ग्रुप पे इसके सोल्यूशन डालूंगा, हर का तो सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, ये आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये आपकी रेंज में है, नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चंस ही हैं नॉर्मल जैसे कंपटीशन में आते हैं, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करें और खुद इसको ठीक करें, राइट। लेंस लॉ, ये वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग, और ऐसा पेपर आएगा जो मैंने बनाया है, ऐसे पेपर्स, ये नहीं है, ये इमरजेंसी सिचुएशन है कि कल को अगर बहुत मुश्किल आ जाए तो पता हो, ये नॉर्मल है, तो मैं आपको ऐसी शीट दे नहीं रहा हूँ करने के लिए, मैं समझ सकता हूँ मैं भी आऊँगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसे बिना करवाई कौन करेगा, तो ये लेकिन हम कर चुके हैं, तो बेसिक्स के ऊपर है, जैसे ही पेपर खत्म होंगे इमीडिएटली इसको करना पड़ेगा। ठीक,
टेंथ के अंदर नॉन कंडक्टिंग रिंग है, आर रेडियस है और चार्ज इसके ऊपर क्यू है, पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है डीबी बाई डी टी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा रिंग के अंदर, करंट भी पैदा होगा। कह रहे टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कैसे आ गया? देखो अगर आप एक रिंग लें, इस रिंग में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएं, इस रिंग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा टेंजेंशियल, है ना, सर्कुलर पाथ में टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी किया था, इंड्यूस करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस्ड, इस पे चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स QE टेंजेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसके ऊपर अगर चार्ज है तो क्यू इन टू टेंजेंशियल है, और टेंजेंशियल फोर्स इसे क्या करेगी, घुमा देगी और टॉर्क जनरेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो पहले रिंग में क्या निकलेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे, E इंटू टू पाई आर इज एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है पाई आर स्क्वायर में, और इंटू डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी में बी डीवी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, या आर से आर कैंसिल, पाई से पाई, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब फोर्स एक्सपीरियंस्ड क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू, चार्ज क्या है क्यू, क्योंकि रिंग के ऊपर चार्ज क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई क्यू, तो यहां से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को उठा के पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, तो फोर्स आ गई, टॉर्क क्या होता है आर इंटू एफ, एफ की जगह यहां पुट कर टॉर्क आ गया। तो मतलब जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज किया था, टॉर्क निकालो, तो टॉर्क के लिए आर इंटू एफ फोर्स चाहिए, फोर्स कहां से आएगी, क्यू से आएगी, ई कहां से आएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। स्टेप समझ में आ रहे हैं, ठीक है यहां तक? तो एक जैसे क्वेश्चन ही है वैसे देखा जाए तो, बहुत मुश्किल नहीं है, वही चीज रिपीट हो रही है। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नॉट फॉर मेडिकल, उसे अगला भी नॉट फॉर मेडिकल, ठीक, वैसे आराम से रिलैक्स करें और सुने और ज्यादा स्ट्रेस ना लें, नॉन मेडिकल वाले देखें, क्वेश्चन पढ़ें। एक रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो आपको दिख ही रहा है, और के इसमें वन है, टाइम बढ़ता रहेगा, डीबी बाई डी टी बढ़ता रहेगा, ठीक हो गया। रिंग के ऊपर चार्ज है, वही सेम क्वेश्चन है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स होगी, वहां तक तो सेम है। अब क्योंकि बी टाइम के साथ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी टेंजेंशियल, एक ऐसा टाइम आएगा जब इतनी फोर्स लग जाएगी इसके ऊपर कि ये क्या करेगा, रिंग को घुमा देगा, तो वो कब होगा ये बताओ, और फ्रिक्शन ग्राउंड पे प्रेजेंट है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, सबसे पहले काम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी ई इंटू टू पाई आर, पाई आर स्क्वायर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड है डीबी बाई डी टी, डीबी बाई डी टी की जगह सीधा क्या पुट करेंगे, के टी, तो यहां पर डीबी बाई डी टी की जगह क्या पुट करेंगे, यहां पे के टी, के वन है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
अब ये सेंटर पड़ा था यहां पे, अब ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है ये भी देख लो। देखो इसमें भी कैसे हो रहा है, अंदर की तरफ इंक्रीज, रिंग नहीं चाहेगा, रिंग अपना भी ऐसे कर लेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो टेंजेंशियल फोर्स भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे लगेगी। तो ये सिलेंडर कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला हिस्सा कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, पीछे लगेगी। अगर ये वाला हिस्सा मेरी तरफ आ रहा है तो चेक करो फ्रिक्शन कहां लग रही है, पीछे लग रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो फ्रिक्शन इधर लग रही है, तो बाकी वेट और ये तो है ही है। अब देखो फ्रिक्शन के बिना तो कोई चीज नहीं घूमती है, तो बात पक्की है ना। तो फ्रिक्शन होगी तभी तो बॉडी रोल भी करती है, तभी तो बॉडी घूमती भी है। लेकिन आप कई लोग कहते हैं कि फ्रिक्शन की जरूरत क्या है यहां पे, अगर फ्रिक्शन ना भी होती तो ठीक है, स्लिपरी सरफेस है, तब भी तो उसने घूमना शुरू कर ही देना था, प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब शुरू में क्यों नहीं घूम पा रही, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क उसे रोक रहा है, फ्रिक्शन उसको घूमने से रोक रही है। इसका मतलब दो टॉर्क काम कर रहे हैं, एक टॉर्क आपका टॉर्क है जो आपने निकाला, आपने ई निकाला, ई को मल्टीप्लाई किया इससे क्यू से, फोर्स निकाली आर इंटू एफ से, आपने अपना टॉर्क निकाल लिया, तो ई को यहां से यहां पुट किया, ये आपका टॉर्क है जो रिंग को घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज। पर एक टॉर्क है फ्रिक्शन का टॉर्क, फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, ये फ्रिक्शन का टॉर्क है। जब तक फ्रिक्शन का टॉर्क हमारे टॉर्क से बड़ा होगा रिंग नहीं घूमेगी, जब हमारा टॉर्क कम से कम फ्रिक्शन के टॉर्क के इक्वल या उससे बड़ा होगा तो रिंग घूमेगी। हमारा टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क के इक्वल है, रिंग घूमेगी, टाइम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नॉट फॉर मेडिकल, मेंस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम, ये आप पुराने एडवांस के पेपर खोल लो उसमें आया हुआ है। अब वो कैसे ब्रेक कर देगा, इतना बड़ा तो नहीं देगा, ब्रेक इंटीजर टाइप आया सबसे बड़ी बात, इस बार तो मेंस में इंटीजर टाइप भी है, टू इंटीजर है इसका आंसर। तो अगर बाय चांस, नहीं इतना बड़ा नहीं आएगा, डरो ना, कोई टेंशन नहीं है, बट बाय चांस इस क्वेश्चन को ब्रेक करके कुछ और आता है, एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस है, आप चीजों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है यहां तक? तो